रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में हुंकार। चुरू में बोले पूरे देश में, पूरा देश जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह मना रहा था, लेकिन कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल कर रही थी। पीएम मोदी ने चुरू से बीजेपी उम्मीदवार पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया के समर्थन में रैली को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। 5 न्याय गारंटी पर आधारित कांग्रेस का मैनिफेस्टो। किसान, युवा, महिला और गरीबों के लिए खोला वादों का पिटारा। केंद्रीय एजेंसियों को लेकर राहुल गांधी का मोदी पर वार। कहा पीएम मोदी ने ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग किया। बॉन्ड स्कीम में बीजेपी ने पॉलिटिकल फंडिंग की, अकाउंट फ्रीज करके हमारे रास्ते बंद किए। इंडिया को मोदी कैप्चर करना चाहते। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा, जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी का विरोध किया, जैसे धारा 370 को निरस्त करना, यूसीसी, सीएए, 3 तलाक, इन सब का इनमें घोषणा पत्र में जिक्र नहीं। जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी का इस पर मत क्या है। ये जो महाठक कांग्रेस पार्टी है, उनका डीएनए ही यही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा दिल्ली शराब घोटाला बीजेपी ने किया, बीजेपी के बड़े नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ साजिश की। जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने जेल से अपनी विधानसभा के लोगों को चिट्ठी लिखी है। इस लेटर में मनीष सिसोदिया ने लिखा, जल्द ही बाहर मिलेंगे, आप सब मेरी ताकत है, मुझे खुशी है। केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली और पंजाब में शिक्षा क्रांति आई। शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब के बीच लगी केजरीवाल की तस्वीर पर सियासी कला, बीजेपी ने किया वार। आतिशी का पलटवार। कहा मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई आजादी की जंग से कम नहीं। वोटिंग से पहले बिहार में जुबानी जंग तेज। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा हमला किया। एक्स पर लालू यादव ने लिखा, बीजेपी ने झूठ बोला, नौकरी पर झूठ, इतिहास पर झूठ, परिवारवाद पर झूठ, भ्रष्टाचार पर झूठ, जनता ने ठाना है मोदी सरकार का झूठ मिटाना है। पूर्णिया में प्रचार के दौरान पप्पू यादव के आंसू झलक उठे, जनता को हाथ जोड़, लोगों का आभार भी जताया, भावुक होकर बोले, अपने बेटे को गले लगा लीजिए, लालू जी को जहां मेरी जरूरत होगी मैं वहां जाऊंगा। खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन निरस्त। अखिलेश यादव ने एक्सपोस्ट पर लिखा, मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या, हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों, ये सब बहाना है और हार चुकी बीजेपी की हताशा है। जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं, वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। नोएडा में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया है। लक्षद्वीप में भी 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बढ़ाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब यूपी कर्फ्यू मुक्त हुआ है। अलीगढ़ पहुंचे थे सीएम योगी चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए। उन्होंने कहा, कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त होगा, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा कांग्रेस प्रत्याशी नहीं खोज पा रहे और बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ हुए विधानसभा में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन का काम कर रही है, विपक्ष का चुनाव प्रचार अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी, बिहार में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी। आरजेडी के कोटे से सीटें होंगी गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी। 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। शराब घोटाले में के कविता की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई ने के कविता से पूछताछ की इजाजत मिली है। सीबीआई को के कविता से जेल में ही सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। चीनी वीजा मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को कोर्ट ने पेशी से छूट दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को छोड़कर अगली सुनवाई तक मामले में सभी आरोपियों को अंतरिम जमानत।
जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकियों की नापाक साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने घुसपैठ कर रहे आतंकी को ढेर किया, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।